आर्मी में जाना है तुझे, तुझे आर्मी में जाना है। अगर ये वीडियो तेरा काम में नहीं आएगा ना तो डिसलाइक मार के चले जाना, मत देखना है वीडियो। मैं एक दावा दे के कहता हूँ, ये वीडियो से तेरा अगर आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे कहना। आर्मी में जाना है तुझे? क्यों जाना है तुझे आर्मी में? किसके लिए जाना है? अपनी शौक के लिए जाना है या देश के लिए जाना है? अपनी परिवार के लिए जाना है या पैसा कमाने के लिए जाना है? कुछ दिखाने के लिए जाना है या ऐसे ही जाना है आर्मी में? क्यों सोचते हो आर्मी में जाने के लिए? क्या है तुम्हारे पास? क्या स्टेबिलिटी है तुम्हारे पास? आर्मी में जाने के लिए क्या चाहिए तुमको मालूम है? बस तुम्हारा खून गर्म होना चाहिए। तुम्हारे पास वो है खून गर्म? बस दिखाने के लिए तुम्हारे पास खून गर्म है? नहीं तो तुम्हारे पास खून नहीं है, तुम सब बच्चे हो। आर्मी में जाने के लिए कितना मेहनत लगता है मालूम है तुम्हें? ऐसे कहने से नहीं बनता है। कितना मेहनत लगता है मालूम है? डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, इतना डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। 365 दिन डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अरे जो बंदा कहता है आज बारिश से, आज धूप है, आज नहीं हो सकता मेरे से, आज पैर दुख रहा है, आज मैं सो गया, आज मेरा नींद नहीं खुला, ना जो बंदा कहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा सांस फूल रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, वो बंदा कभी भी आर्मी में नहीं जा सकता और कभी भी उसका आर्मी में सिलेक्शन नहीं होगा। अरे जो बंदा आज से बोलता है कि मेरा पैर दुख रहा है, मेरा नींद नहीं खुल रहा है, उसका कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता आर्मी में। वो छोड़ दे, सबसे अच्छा आर्मी जॉब उसको ही मिलता है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, जो डिसिप्लिन में रहता है। आर्मी में जाने के लिए तुम्हारा पैर 60% भागता है और 40% तुम्हारा दिमाग काम करता है। अगर तुमको आर्मी में जाना है, तुम्हारा पैर को सही तरह से भगाना है, और आर्मी में जाने के लिए दिमाग भी सही होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग कहेगा रुक जा, नहीं होगा तेरे से, रुक जा। तुम्हारा पैर कहेगा अरे अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों को आगे फेंक के आगे जाना है, मेरे को एक नंबर में आना है, मेरे को एक्सीलेंटर बनना है, मेरे को आर्मी का जॉब पाना है, कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं चीता बन गया, मैं घोड़ा बन गया। ये चिमाग दिमाग में डाल दो, कभी नहीं हारोगे। मैं दावा दे के कहता हूँ तुम कभी नहीं हारोगे। अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं हार सकता तुमको, कोई भी नहीं हरा सकता तुमको, भगवान भी आएंगे तो कोई नहीं हरा सकता। आज से दबा कर लो, दीवार में लटका दो लिख के, अरे मैं जीतूंगा, मैं दिखाऊंगा दुनिया को, सबको दिखाऊंगा जो मेरे सामने हंसते हैं, मैं तुमको करके दिखाऊंगा उनको, मेरा अंदर इतना जुनून है, इतना पावर है, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। 500 लोगों को दौड़ा जाएगा तो तुमको 10 लोगों के अंदर आना है, सबसे पहले आना या 10 नंबर में आना है वो तुम डिसाइड करो। 500 लोगों में से 10 लोगों को रखा जाता है, तुम आ सकते हो 500 लोगों में 10 लोगों के अंदर। जानते हो ये बच्चे का खेल नहीं है, ये एक दिन का खेल नहीं है। बस आज दौड़ लिया, कल मेरा नींद नहीं खुला, अरे कोई कल सो गया, मजाक लग रहा है तुमको ना आर्मी का दौड़। अगर तुमको ऐसा ही लगने लगता है तो बंद कर दो आज से, मैं कहता हूँ बंद कर दो, ये तुम्हारे से नहीं होगा। आर्मी जॉब जाने के लिए ना तुमको मेहनत, मतलब इतना मेहनत करना है जैसे लगेगा मैं मौत से खेल रहा हूँ, मैं मौत से खेल रहा हूँ, इतना मेहनत करना है, मौत से खेलना पड़ेगा तुमको। कितना अहम होता है हमारी देश के लिए, इतना अहम होता है, जो आर्मी का जॉब करता है उसको पूछो कितना शांत रहता है अंदर से, दिमाग से वही चीज़ रहता है, अपनी दुश्मन को कैसे मारना है, बॉर्डर पे शांत रहता है उनका दिमाग, उनका दिमाग वही चीज़ बोलता है। अगर हमारे सामने कोई दुश्मन आए जिंदा गाड़ देंगे उसको ज़मीन में। अगर तुमको आर्मी का जॉब जाना है, बस दिमाग में वही चीज़ डाल दो, तुमको जाना ही है आर्मी में और उसके लिए मुझे तैयारी करना पड़ेगा, कितना भी दर्द होने दो, कितना भी कुछ होने दो, मुझे जाना है। अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम पसीना से नहीं नहाए हो तो तुम मान लो कि तुम मेहनत नहीं किए, तुम दौड़े नहीं, तुम कुछ नहीं किए दिन भर। जानते हो दिन भर एक घंटा में, अगर तुम एक घंटा दिन में अपनी गोल के लिए, अपनी आर्मी जॉब जा पाने के लिए नहीं देते हो तो तुम कुछ नहीं करते हो लाइफ में, तुम कुछ नहीं पा सकते। छोड़ दो आर्मी का जॉब, तब एक घंटा मतलब 1-4% होता है दिन में, बस 4% चाहिए आपकी गोल को फेस करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। जानते हो गर्व तभी लगता है जब आर्मी का कैप पहनते हो। आर्मी का कैप में क्या है मालूम है? अशोक स्तंभ होता है, तभी लगता है हाँ मैं देश के लिए जवान हूँ, आर्मी में जॉब किया हूँ मैंने। अरे
छोड़ दो, तुम्हारे से नहीं होगा, जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, मैं तो दौड़ता हूँ, मेरा टाइमिंग कम क्यों नहीं होता है, मेरा पैर क्यों दिखता है। अरे तुम लायक नहीं आर्मी के लिए, तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो। मतलब डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, तुम्हारा कहाँ से तुम्हारा टाइमिंग कम होगा, तुम्हारा कहाँ से आर्मी का जॉब मिलेगा, तुमको कहाँ से सिलेक्शन मिलेगा, तुमको कहाँ से 500 लोगों के अंदर तुमको सिलेक्शन 10 नंबर में आओगे, कैसे आओगे तुम। चीता की तरह भागना पड़ेगा तुमको। तुमको रात को 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, जब दुनिया सोता होगा तुमको उठना है, दिमाग में डालना है कि मुझे दौड़ना है आज 10 किलोमीटर, आज मुझे रुकना नहीं है। पैर कहेगा रुक जा, नहीं, दिमाग में वही डालना, अरे नहीं रुकना है मुझे, मुझे 10 किलोमीटर पूरा करना है आज। मुझे 10 किलोमीटर अगर पूरा नहीं किया तो कल मेरा पैर उधर ही रुक जाएगा, बोलेगा नहीं तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे। अगर तुम 10 किलोमीटर में नहीं कंप्लीट कर पाए तो कल तुम 1600 मीटर भी नहीं दौड़ पाओगे। दिमाग में डाल दो मुझे आर्मी के जॉब जाने के लिए मेहनत करना है, इतना पसीना बहाना है कि भगवान भी बोलेंगे अरे यार ये इसका तो हक है जाने का, इसको छोड़ दो, इसको पार कर दो आर्मी के जॉब के लिए। बहुत सारे बंदे कहते हैं अरे मैं तो दौड़ता हूँ, मैं तो अच्छा दौड़ता हूँ, मेरा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मालूम है तुमको? तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, तुम सही ढंग से नहीं दौड़ते हो। तुम्हारा क्या है, आज मस्ती में दौड़ लिया, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, टाइम पे कूल डाउन एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हो, तुम कहाँ से रनिंग में सिलेक्ट हो पाओगे? अपने मन से बोलते हो यार मैं अच्छा दौड़ लिया, किसी से कुछ फॉलो नहीं करते हो, बोलते हो मैं अच्छा दौड़ता हूँ, टाइमिंग अच्छा नहीं आता है, मैं क्या करूँ। कभी आर्मी में आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, तुम कभी नहीं आ पाओगे, मैं दावा दे के कहता हूँ तुमको। आज से दिमाग में डाल दो और लिख दो एक पेपर में, आज मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना है, आज मुझे 3 किलोमीटर दौड़ना है, उसका टाइमिंग लिख दो, आज मुझे इतना टाइमिंग में मारना है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन तैयार करना, आज मुझे इस दिन में आज मुझे इतना टाइमिंग में मारना है, कुछ भी होने दो, मुझे पैर भी दर्द होने दो, खून भी निकलने दो, जूता फटने दो, कुछ भी होने दो, मुझे दिमाग गर्म होने दो, धूप होने दो, बारिश होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे इतना टाइमिंग में मारना है, 4 मिनट 5 मिनट का अंदर मुझे मारना है किसी भी हाल में। अगर जो बंदा इसको टारगेट बने के चलेगा उसको कोई नहीं रोक सकता आर्मी के जॉब पाने के लिए। अरे आर्मी का जॉब हमारी हाथ में है, हम ही तय करते हैं। घोड़े की तरह दौड़ना है, घोड़ा के जान तो किसी टापू में दौड़ता है, तुमको बस वही टॉप पे दौड़ना है, पूरा शेर की दौड़ा दौड़ना है, पूरा लंबा लंबा स्टेप में दौड़ना है, किसी का परवाह नहीं करना है। मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे 100 आदमी है तो मैं भी काट सकता हूँ, उनका आगे भी जा सकता हूँ। हिम्मत रखना है, विल पावर रखना है। जो बंदा के पास विल पावर होता है ना वो कभी हार नहीं मानता। उसका आगे 10 बंदे भी होने दो, उसके आगे एक्सलेंट रनर भी होने दो, उसके आगे एशियन बोल्ट भी होने दो, वो कहेगा यार मैं जीत के रहूँगा, एशियन बोल्ट को भी काट के दिखाऊंगा मैं सबके सामने। वही होता है विल पावर, वही होता है ताकत आर्मी में जाने के लिए। लास्ट में कमल आपको ही कहेगा ऐसा कुछ कर दो जैसे आपके पीछे पूरा दुनिया ही पड़ जाए। हमेशा खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो, और ये वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाना, अगले वीडियो जरूर देख पाओगे। थैंक यू सो मच।